यदि आप लोग ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं तो रेलवे का न्यू गाइडलाइंस जान लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप न्यू गाइडलाइंस नहीं पता है ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आप लोगों के साथ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। कोरोना का कहर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, यही देखते हुए रेलवे ने यहाँ पर न्यू गाइडलाइंस जारी किया है। यदि आप ट्रेन से सफ़र करना चाहते हैं, ट्रेन में सफ़र करेंगे तो आपको कन्फर्म टिकट होना ज़रूरी है, यानी कि वेटिंग टिकट से आप ट्रेन में सफ़र नहीं कर सकते हैं। और मास्क को पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बाद 2 गज का दूरी रखना, और इसके बाद सफ़र के दौरान आप लोगों को मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद जब भी आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए जिस राज्य में आपको जाना है उस राज्य का गाइडलाइंस जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुछ राज्य में का न्यू गाइडलाइंस जारी किया गया है। यदि आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट है तभी आप उस राज्य में एंट्री कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। यदि आप लोगों ने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट नहीं लेके जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको जिस स्टेशन में पहुंचेंगे वहां पे आपको थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा। इसके बाद जिस राज्य में आपको जाना है उस स्टेशन पर यदि पहुँचते हैं तो वहाँ पर आपको कोरोना चेक किया जाएगा। यदि वहाँ पे यदि आप लोगों को कोरोना नहीं जाते हैं तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप लोगों को ट्रेन में सफ़र करने से 96 घंटा पहले आप लोगों को कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट ले लेना है। मेन इम्पोर्टेंट, जिस राज्य में आप जाना चाह रहे हैं उस राज्य का कोरोना न्यू गाइडलाइंस जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये आप कैसे पता लगा सकते हैं जिस राज्य में जाना है उस राज्य का न्यू गाइडलाइंस क्या है? पहले आपको करना क्या है, सिंपल रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करना है, और वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से न्यू गाइडलाइंस पता कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आता है 139 पे कॉल नहीं लगता। तो आप लोगों को करना क्या, सिंपल 12 बजे रात के बाद सुबह सुबह 5 बजे तक 139 पे कॉल लगते हैं, तो 1 से 2 बार कॉल करेंगे तो आपका कॉल लग जाएंगे। अब इसके बाद वहाँ से आप बिल्कुल आसानी से पता लगा सकते हैं किस राज्य का क्या न्यू गाइडलाइंस है। यदि आप दिन में कॉल लगाना चाहते हैं 139 में तो एक फ़ोन से लगा रहे हैं, अगर उस फ़ोन से नहीं लग रहा है 139 पे कॉल तो आप लोग किसी और फ़ोन से लगा कर देखिए, तो आपको कॉल रिसीव कर लेंगे। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सर्जन चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।